आज हम बात करने वाले हैं वॉशिंग मशीन के मोटर को कैसे चेक करेंगे, ये हमारा मोटर खराब है या सही है, या इसके तारों को चूहों ने काट दिया। कई बार ऐसी समस्या आती है जब हमारा वॉशिंग मशीन खराब हो जाता है या उसके मोटर खराब हो जाते हैं, तो हमें एक्चुअल में नहीं पता होता कि हमारा मोटर खराब हो गया है, टाइमर खराब हो गया है, या उसके तारों को चूहों ने काट दिया, या तार वार जल गए जिसकी वजह से हमारा मशीन नहीं चल रहा है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से, सबसे पहले हमें क्या करना होता है उस सिचुएशन में अगर आपका मशीन नहीं चलता है, तो सबसे पहले हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, अपने वॉशिंग मशीन के मोटर को चेक करते हैं कि हमारा मोटर सही है या खराब है, क्योंकि बहुत हद तक ज़्यादातर चांसेज होते हैं कि आपका मोटर ही खराब है। इसलिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हमारा मोटर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मोटर ठीक है या नहीं। तो हम इसी बारे में आज बात करने वाले हैं कि अपने वॉशिंग मशीन के मोटर को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आप देखोगे आपके पास वॉशिंग मशीन में मोटर, कोई भी वॉशिंग मशीन हो, चाहे LG, वर्लपूल, सैमसंग, वीबियोकॉन, गोदरेज, जो भी है, सबके वॉशिंग मशीन में मोटर जो होते हैं, मोटर के ये तीन तार होंगे आपको, ठीक है, मोटर में हमेशा आपको तीन तार देखने को मिलेगा। और अगर मान लो ये हमने वॉशिंग मशीन से बाहर निकाल चुका है ये मोटर, अगर ये वॉशिंग मशीन के अंदर भी होता ना तो भी ये तीन तार होते हैं, बाकी दो तार आपका कैपेसिटर से लगा होता है, एक तार हमारा या मेन सप्लाई से लगा होता है और एक न्यूट्रल से लगा होता है। तो इस तरीके से कनेक्शन होता है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में यहां से आपको यहां पे समझा रहा हूं ताकि ईजिली आपको समझ जाए, ठीक है। तीन तार हमारे पास या मोटर के होते हैं और ये दो तार हमारे पास कैपेसिटर के। हमें क्या करना है, इन दोनों तारों को, कोई सा भी हम दो तार ले लेते हैं और उसे अपने कैपेसिटर से अटैच कर लिया, ठीक है, या हम कोई सा भी दो तार को अपने कैपेसिटर से अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया, ये एक तार हमारा ये है, ये एक तार हमारा सिंगल रह जाता है। इसे हम क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट फेस की सप्लाई डालते हैं, इसमें हम क्या करेंगे फेस की सप्लाई डालते हैं, और एक तार जो हमारा ये वाला है हम इसमें से किसी भी, ये हमारी जो मेन लाइन है ना, ये वाली लाइन है, एक हमने इससे जोड़ दिया, और एक जो वायर हमारा हम इनमें से किसी भी एक में अटैच कर देंगे, ठीक है ना। ये दो हमने कैपेसिटर में जो तार लगाए हैं उनमें से किसी भी एक तार में अटैच कर देंगे, और अब हमें इसे सप्लाई देनी है, तो चलिए सप्लाई देते हैं। अगर आप, आपका ये कनेक्शन उसमें लगा भी रहता है ना हमारे मशीन में, अगर ये हमारे वॉशिंग मशीन में फिट भी रहता है ना, तो ठीक इसी तरीके से फिट रहता है, सेम यही प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप वॉशिंग मशीन से भी अगर चेक करना चाहते हैं तो आपके पहले वाले तारों को निकालना पड़ेगा, जो पहले वाले कैपेसिटर से आपको एक अलग से कैपेसिटर लगा के चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कई लोगों के मन में एक सवाल होगा कि यहाँ पर हम कितने MFD का कैपेसिटर लगाए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर 6 MFD का कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए अब इसको सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं। तो ये हमारा मशीन चल नहीं रहा है, आवाज़ आ रही ना आपको, गन गन की आवाज़ आ रही है। एक्चुअली ये आवाज़ जब भी आपके वॉशिंग मशीन से ऐसी आवाज़ आ रही है ना, उस सिचुएशन में आपके वॉशिंग मशीन का मोटर ही खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे वॉशिंग मशीन का मोटर खराब है। मैं आपको एक दूसरा वॉशिंग मशीन का मोटर दिखाता हूँ, एक अच्छा मोटर दिखाता हूँ, और उस मशीन को मैं आपको सेम इसी प्रोसेस से एक बारी आपको उसे चालू करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक नया अच्छा नया मोटर लेकर आता हूँ मैं और उसे लगा के दिखाता हूँ आपको। तो गाइज अब हम यहाँ पर एक दूसरा नया मोटर लेकर आ चुके हैं, ये नया मोटर अभी मैं मार्केट से लेकर आया, और इसका भी सेम वही है, हम इसे चला के चेक करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप चेक करोगे आपका जो मोटर है वो सही है ख़राब है। इसमें भी तीन तार है, कोई भी मशीन मोटर होगा गाइज वॉशिंग मशीन का, उसमें तीन ही तार देखने को आपको मिलेगा, इसमें भी तीन तार है, ठीक है। इस तीन तार में, और यहाँ पर हमारे पास दो कैपेसिटर के तार हैं, इनमें से कोई सा भी दो तार हम इन कैपेसिटर के तार के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये देखो यहाँ पर हमने इसे कैपेसिटर के साथ अटैच कर लिया है, और इसे अब हम छोड़ देते हैं, और ये हमारा एक सिंगल वायर रह गया, इस सिंगल वाले वायर को हम मेन के साथ अटैच कर लेंगे, मेन मतलब जो हमारा मेन न्यूट्रल और फेस होता है उसके साथ, वो हमारा मेन न्यूट्रल और फेस दो तार होते हैं, तो एक तार हमने यहाँ अटैच कर लिया, दूसरा तार हम इन दोनों तार जो हमारा कैपेसिटर हमने लगाया ना उनमें से किसी में भी एक में अटैच कर देंगे, ठीक है। ये देखो हमने किसी में भी अटैच कर दिया, तो यहाँ पर हमारे सारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, फिर से इसको ओपनली दिखा दे रहा हूँ आपको, ये किस तरीके से वायरिंग है हमारी दे रहा है, ठीक है, ओके। अब हम इसे ऑन करते हैं, मैंने इसके ऊपर टेप इसलिए लगा दिया ताकि ये मोटर घूमे तो आपको पता चले कि हाँ मोटर चल गया है।
तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मोटर चल गया है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो गाइज आपने देखा हमने किस तरीके से इस मोटर को चलाया। किसी भी वॉशिंग मशीन के मोटर को अगर आपको चेक करना है तो आपको गाइज एक कैपेसिटर का अलग से कैपेसिटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा मोटर चेक करने के लिए। अगर आप वॉशिंग मशीन के ही कैपेसिटर से अगर आप मोटर को चेक करोगे गाइज तो उसमें क्या है कि आपका वॉशिंग मशीन का मोटर का कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है, तो उस सिचुएशन में भी आप कन्फर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अपना एक अच्छा सा कैपेसिटर रखना है और मोटर को चेक करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी दोस्तों।